तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के कैम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन्हें सर्च करने के बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है या आप अपने साथ में नुकसान कर बैठेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, गूगल बाबा को सारी चीज़ें पता है तो कौन सी चीज़ें आपके फायदे की है और कौन सी आपके नुकसान की है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मेडिसिंस की। मेडिसिंस एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति यूज़ करने से पहले या किसी रोग को सर्च करता हुआ मेडिसिन तक पहुँचता है और उस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से यूज़ करता है तो वो उसके लिए घातक हो सकती है। इसके बाद बात आती है ऐसा कीवर्ड जो कि किसी बम बनाने के तरीके अथवा किसी ऐसे आतंकी संगठन से जुड़ने के तरीके के बारे में सर्च किया जाता है, तब भी आप अपने कीवर्ड से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास में ऐसे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक ट्रेस कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से आपको जेल या आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दोस्तों ये भारत में पूरी तरह बैन है और इस तरह की हरकत करने वाले को निश्चित रूप से एक सरकारी कार्रवाई के तहत बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। न सर्च करें, न ही पर ऐसी एप्लीकेशन को सर्च करना जो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और उसे आप अपने सिस्टम में या अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो आप नहीं जान पाते, आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा को या आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से भी आपको बचना चाहिए। गूगल सर्च में अगर आप बार बार अपने ईमेल आईडी या अपने प्रोफाइल को सर्च करते हैं, इससे गूगल की हिस्ट्री में इसका जो डेटा है वो रह जाने की वजह से हैकर्स इस डेटा को चुरा कर आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ईमेल आईडी को सर्च ना करें। बहुत सारे लोगों के पास में किसी भी काम के लिए या किसी भी सर्विस का कस्टमर केयर नंबर नहीं होने के कारण गूगल पर सर्च करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि गूगल पर ऐसे फ्रॉड कस्टमर केयर अवेलेबल हैं जो एक्चुअल कंपनी के नहीं होने के कारण आपके साथ में ऐसा धोखा होता है जहां पर आपसे सारी जानकारी लेकर आपसे आर्थिक या आपसे किसी भी तरह का प्राइवेसी या सिक्योरिटी लेवल का नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये थी सारी जानकारी, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।